सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। जिस इलाके में हुआ था सांप्रदायिक तनाव, वहां से निकली शोभा यात्रा तो मुस्लिमों ने बांटा खाना। खबर जानने के लिए वीडियो पूरी देखें। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली के हौजकाजी इलाके में करीब एक सप्ताह पहले हुए सांप्रदायिक तनाव के बाद मंगलवार को शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एकजुट होकर सामाजिक सद्भावना का संदेश दिया। इस दौरान दिल्ली अमन समिति के मुस्लिम सदस्यों ने शोभा यात्रा के मार्ग में भंडारे का भी आयोजन किया। बता दें, शोभा यात्रा में मुस्लिम समुदाय के लोग शहनाई बजाते भी नजर आए। इस दौरान पुलिस ने किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए थे। इलाके में ड्रोन कैमरे से नजर रखी गई। पुलिस ने इस दौरान 4 किलोमीटर के दायरे में 200 रूफी टॉप बनाए थे। बता दें, शोभा यात्रा अजेमरी बाजार, लाल कुआं, चावड़ी बाजार, खारी बावली के रास्ते से होकर गुजरी। मालूम हो कि 30 जून को पार्किंग विवाद के बाद असामाजिक तत्वों ने हौजकाजी इलाके के दुर्गा मंदिर में पत्थरबाजी की थी। इस दौरान मंदिर की मूर्तियों को भी नुकसान पहुंचा था। पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एफआईआर दर्ज कर 17 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस घटना के बाद इलाके में शांति कायम करने के लिए फिर से मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करने और शोभा यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया था। आपकी मुस्लिम समुदाय की तरफ से शोभा यात्रा में भंडारा कराने पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।